एक बार की बात है, किसी गांव में पूनम नाम की औरत रहती थी। पूनम की सास कमला हर वक्त घर में छोटी छोटी बातों को लेकर बखेड़ा कर देती थी। दूसरी तरफ पूनम एक समझदार औरत थी, वो कभी अपनी सास को पलटकर जवाब नहीं देती थी। पूनम और उसका पति दोनों मिलकर दूसरे के खेतों में मजदूरी का काम किया करते थे, इसी से उनके घर का गुजारा चलता था। फिर कुछ समय बाद पूनम गर्भवती हो जाती है। पूनम, आज डॉक्टर साहब मिले थे, उन्होंने कहा कि कुछ महीनों तक तुम्हें कोई भी मेहनत का काम नहीं करना है, वरना हमारे आने वाले बच्चे को खतरा हो सकता है, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम घर पर आराम किया करो, मैं खेतों में जाकर सारा काम कर लूँगा। तभी वहाँ पूनम की सास कमला आ जाती है। अरे नालायक, तू तो अभी से बहू को सिर पर चढ़ा रहा है, डॉक्टर लोगों का क्या है, वो तो हमेशा लोगों को उल्टी सीधी सलाह देते रहते हैं। मैं इन डॉक्टरों पर विश्वास नहीं करती, और वैसे भी अगर बहू काम पर नहीं जाएगी तो हमारी आमदनी आधी हो जाएगी। लेकिन माँ, तुम हर चीज की तुलना पैसों से क्यों करती हो? मेरा मन नहीं मानता कि मैं इस समय पूनम को काम पर लेकर जाऊँ, इसीलिए पूनम घर पर आराम करेगी। अरे तू तो दिन ब दिन बीवी का गुलाम बनता जा रहा है, देख मुझसे बेकार की बहस मत कर और चुपचाप बहू को लेकर काम पर जा। उसके बाद मजबूर होकर रघु पूनम को लेकर खेतों में काम करने चला जाता है। तभी खेतों में खुदाई करते समय अचानक एक बड़ा पत्थर रघु के पैरों पर जा गिरता है। देखते ही देखते रघु खून से लथपथ हो जाता है। पूनम किसी तरह उसे अस्पताल में ले जाकर उसका इलाज करवाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। रघु एक पैर से पूरी तरह अपाहिज हो जाता है। अब खेतों में काम करने और घर चलाने की जिम्मेदारी पूनम पर आ जाती है। दूसरी तरफ रघु के पैर टूटने की जिम्मेदार कमला पूनम को ठहरा कर उसका जीना हराम कर देती है। बेचारी पूनम गर्भवती होने के बावजूद भी दिन रात मेहनत करके पूरा घर संभालती थी। फिर एक दिन, मैं देख रहा हूँ पूनम तू खेतों में ठीक तरह से काम नहीं करती, एक दिन के काम को दो दो दिन लगाती है, इसलिए बेहतर होगा कि तू अपनी छुट्टी कर ले। ये ले, ये रहा तेरा हिसाब, कल से तुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। माफ करना साहब, मैं इस समय गर्भवती हूँ इसलिए काम में थोड़ी देरी हो जाती है। मुझे इन सब बातों से क्या लेना देना, मुझे तो मेरे काम से मतलब है, अगर वक्त पर मेरा काम पूरा नहीं होगा तो तुझे रखकर मेरा क्या फायदा, अब मैं और बहस नहीं करना चाहता, चल जा यहाँ से। इस तरह पूनम को काम से निकाल दिया जाता है। बेचारी दुखी होकर अपने घर लौट आती है। पैसे ना होने की वजह से कुछ दिनों में पूनम के घर की आर्थिक हालत बहुत बिगड़ जाती है और वो लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो जाते हैं। दूसरी तरफ कमला को भी खर्च के लिए पैसे नहीं मिलते थे, इसलिए वो सारा गुस्सा पूनम पर उतार कर उसकी पिटाई किया करती थी। इसी तरह एक दिन अपनी सास से मार खाकर पूनम दरवाजे पर बैठी रो रही थी। तभी वहाँ उसकी सहेली नीलम आती है। नीलम के पूछने पर पूनम उसे अपने घर के हालातों के बारे में बता देती है। तू चिंता मत कर पूनम, मैं तेरी मदद करूँगी। एक काम कर, तू पास वाले बाजार में गोलगप्पे की दुकान खोल ले, जितना भी खर्चा होगा मैं तुझे दूंगी। नीलम की बात सुनकर पूनम बहुत खुश होती है। फिर अगले दिन नीलम पूनम को एक छोटी सी गोलगप्पे की दुकान खोलकर दे देती है। दुकान पाकर पूनम बहुत खुश थी। फिर वो पूरी मेहनत से दुकान पर काम करने लगती है। धीरे धीरे पूनम की दुकान चल पड़ती है और वो अच्छे खासे पैसे कमाने लग जाती है। लेकिन दूसरी तरफ ये देख कमला के मन में लालच आ जाता है। रोज शाम को पूनम जितने भी पैसे घर लाती थी, कमला वो सारे पैसे पूनम से छीन लेती थी। अपनी माँ की इस हरकत से रघु को बहुत चिढ़ होती थी। माँ, ये सब ठीक नहीं है, तुम सारे पैसे अपने पास रख लेती हो, इस समय पूनम को अच्छा पौष्टिक खाना और दवाइयों की जरूरत है, लेकिन तुम सारे पैसे अपनी मर्जी से अपने ऊपर खर्च करती हो, आखिर ये बेचारी दिन रात मेहनत करती है, इस पर कुछ तो तरस खाओ। अरे वाह, आज तो कुछ ज्यादा ही अपनी पत्नी की चमचागिरी कर रहा है। देख, ये मेरा घर है और इस घर में सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा, अगर तुम लोगों को इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, वरना मैं तुम दोनों को घर से बाहर भगा दूंगी। बस बहुत हो गया माँ, अब मैं तुम जैसी लालची औरत के साथ एक पल भी नहीं रहूंगा, मैं इसी वक्त पूनम को लेकर ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। पूनम भी अपनी सास से तंग आ चुकी थी, इसलिए वो अपने पति के साथ घर छोड़ देती है। फिर वो दोनों नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। दूसरी तरफ पूनम रोज गोलगप्पे बेचना जारी रखती है।
फिर एक दिन पूनम अपने झोपड़े पर खाना बना रही थी, तभी नदी के किनारे उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। पूनम फौरन नदी के पास जाकर देखती है, वहाँ एक सोने से बनी मछली दर्द से तड़प रही थी। मुझे कोई बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो, वरना नदी का मगरमच्छ मुझे मारकर खा जाएगा। तभी नदी से एक बड़ा सा मगरमच्छ निकलकर बाहर आने लगता है। अरे नहीं, इस मछली की जान तो खतरे में है, मुझे इसे बचाना होगा। पूनम फौरन उस मछली को उठाकर अपने झोपड़े के पास रखे पानी के बर्तन में डाल देती है, लेकिन वो मगरमच्छ मछली का पीछा नहीं छोड़ता और पूनम के झोपड़े के पास आ जाता है। तभी पूनम रसोई घर में रखी लाल मिर्ची लाकर मगरमच्छ की आंखों में डाल देती है और डंडे से उसकी पिटाई करने लगती है। थोड़ी ही देर में मगरमच्छ घबरा कर वापस नदी में भाग जाता है। गलती से मैं इस पृथ्वी पर आ गई थी, लेकिन तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, अब तुम आराम से अपनी दुनिया में लौट सकती हो। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक खास तोहफा देना चाहती हूँ। तभी जादुई मछली की नजर पूनम के झोपड़े में रखे गोलगप्पे पर पड़ती है। जादुई मछली अपनी आंखों से रोशनी छोड़कर एक गोलगप्पे को हवा में उड़ाते हुए झोपड़ी से बाहर ले आती है और फिर अगले ही पल वो गोलगप्पा एक विशाल घर के रूप में बदल जाता है। उस गोलगप्पे से बने घर को देख पूनम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मैं जानती हूँ तुम बहुत गरीब हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये जादुई गोलगप्पा घर दिया है। ये गोलगप्पा घर तुम्हारी हर बात मानेगा, अब तुम आराम से इस गोलगप्पे घर में रहकर इसका आनंद लो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। उसके बाद जादुई मछली हवा में उड़ती हुई दूर आसमान में चली जाती है। फिर अगले दिन पूनम अपने पति के साथ उस जादुई गोलगप्पे घर को हवा में उड़ाकर बाजार में ले जाती है। उसके बाद उस गोलगप्पे घर के अंदर से एक बड़ा सा गोलगप्पा बाहर निकल आता है, जिसके ऊपर इंसानों की तरह दो हाथ और दो पैर मौजूद थे। वो गोलगप्पा वहाँ आने वाले ग्राहकों को एक एक करके गोलगप्पे खिलाने लगता है। गोलगप्पे खिलाने के इस अनोखे तरीके को देख सभी लोग बहुत खुश होते हैं और देखते ही देखते पूनम का जादुई गोलगप्पा घर पूरे बाजार में प्रसिद्ध हो जाता है। उस दिन से पूनम के जीवन में कभी पैसों की कमी नहीं होती और वो लगातार दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगती है। फिर एक दिन कमला की सहेली उसे पूनम के जादुई गोलगप्पे घर के बारे में बता देती है। पूनम के पास ढेर सारी दौलत देख कमला जल भुनकर राख हो जाती है और पूनम को मारकर वो जादुई गोलगप्पा हथियाने का मन बना लेती है। फिर एक रात पूनम और रघु गोलगप्पे घर में आराम से सो रहे थे, तभी वहाँ कमला आ जाती है। अब मैं इन दोनों को उठाकर घर से बाहर फेंक दूंगी और इस घर को हवा में उड़ाकर यहाँ से दूर चली जाऊंगी। उसके बाद कमला बेहोशी की दवा निकालकर रघु और कमला की ओर बढ़ती है, लेकिन तभी अचानक उस घर में रहने वाला जादुई गोलगप्पा प्रकट हो जाता है। अरे, अचानक इतना बड़ा गोलगप्पा कहाँ से आ गया? इसका हाथ पैर तो इंसानों की तरह दिख रहा है। क्यों रे लालची औरत, तू मेरे मालिक और मालकिन को मारने आई है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो जादुई गोलगप्पा कमला की पिटाई करने लगता है। हाय रे, मर गई, कोई बचाओ मुझे, अरे अरे, अरे कोई मदद करो। अब मैं तुझे जादुई जंगल में फेंक दूंगा, जहाँ से तू जिंदगी में कभी वापस नहीं आ पाएगी। तेरी जैसी दुष्ट औरत के लिए यही सजा सही है। उसके बाद जादुई गोलगप्पा कमला के शरीर पर रस्सी बांधकर उसे गोल गोल घुमाते हुए हवा में उछाल देता है। कमला हवा में उड़ती हुई दूर एक जादुई जंगल में जा गिरती है। उसके बाद कमला लाख कोशिश करने के बाद भी जंगल से बाहर नहीं निकल पाती और हमेशा के लिए वहाँ फंस जाती है। फिर कुछ समय बाद पूनम एक खूबसूरत बेटी को जन्म देती है। इस तरह रघु और पूनम की जिंदगी खुशियों से भर जाती है और वो दोनों अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।